बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत गए हैं, तीसरी बार वहां से सांसद बन गए हैं। 1.5 लाख वोटों के अंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत गए हैं। तो ये लगातार तीसरी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में आई है, क्योंकि वहां से तीसरी बार वो सांसद बने हैं। वहीं कांग्रेस के अजय राय ने भी बड़ी चुनौती दी है, लगभग 4.5 लाख वोट उनको भी मिले हैं, लेकिन ये बड़ी जीत बीजेपी के खाते में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते हैं और लगभग जो अंतर रहा है वो 1.5 लाख वोटों का रहा है। हालांकि ज्यादा अंतर के दावे किए जा रहे थे, लेकिन वो ज्यादा अंतर दिखा नहीं, 5 लाख का अंतर कहा जा रहा था, लेकिन 1.5 लाख का अंतर ही प्रिया फिलहाल वाराणसी से है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए, जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते थे उन्होंने हर बार कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। जब वो पहली बार आए थे, दूसरी बार भी उन्होंने ऐसी बातें की, और इस बार उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ही ले लिया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। जब वो काशी पहुंचे थे रोड शो के लिए तो पूरा काशी मोदी में नजर आ रहा था, लेकिन जो जीत का जरूर जो मार्जिन है वो और बड़ा आका जा रहा था कि 5 से 7 लाख मतों का अंतर हो सकता है। हालांकि करीब 1.5 लाख वोटों से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत दर्ज किए हैं। आपको बता दें, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद बने हैं और काशी की जनता प्रधानमंत्री चुनती है। एक जरूर ये खुशी वहां के लोगों के मन में रहती है कि हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं। हालांकि देखिए, अजय राय की ओर से भी कड़ी टक्कर मिली है और दूसरे नंबर पर 4,60,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर अजय राय रहे हैं। 1,52,000 वोटों से प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से जीत दर्ज कर ली है। तीसरी बार काशी की जनता ने उन्हें जीत दर्ज करने में सहयोग किया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के सांसद बन गए हैं। तो बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव जीत गए हैं। वहीं वैसे उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए अच्छी खबर इस बार लेकर नहीं आया है, क्योंकि 26 सीटों का बीजेपी को नुकसान इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को टक्कर देते हुए आगे चल रही है। बीजेपी से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में जीती है, और लगातार ये दावे जरूर किए जा रहे थे कि 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन 70 से ज्यादा सीट 70 तक तो पहुंच भी नहीं पाए, लगभग 32 तक ये आंकड़ा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखिए, बीजेपी के दफ्तर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर जश्न का माहौल है। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं,